हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वह है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनका रेशियो 3:5:9:13 है, तो सारे एंगल्स फाइंड कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो लेट ये हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो ठीक है, तो ये हो गया एंगल 1, 2, 3 और 4। चार एंगल्स हैं इसमें, ठीक है। एंगल 1 जो है उसका रेशियो 3 है, तो अगर चारों को रेशियो में दे रखा है तो इनका एक कॉमन रेशियो होगा। सपोज वो क्या है, एक्स है। तो अगर कॉमन रेशियो एक्स है तो ये बनेगा 3x, ठीक है। इसी तरह से ये बनेगा सेकेंड एंगल 5x, थर्ड एंगल 9x और फोर्थ एंगल जो है वो होगा 13x, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम यही लिख देते हैं। सबसे पहले लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, हमने कॉमन रेशियो एक्स मान लिया, तो एंगल 1 3x, एंगल 2 5x, एंगल 3 9x और एंगल 4 जो बना हमारा दैट इज व्हाट 13x, ठीक है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ All interior angles of quadrilateral कितना होता है, वो होता है 360 के बराबर, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी ये चारों एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं, सो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 वुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 कितना है, 3x, तो 3x, ऐसे ही एंगल 2 क्या है, 5x, एंगल 3 9x और एंगल 4 जो है 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। तो अब अगर सबको प्लस कर देते हैं हम, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 30x इज इक्वल टू, ये है 360 डिग्री। 30 को नीचे कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा और ये 2 जा, तो ये आया 12। तो x की जो वैल्यू आई वो आई है 12, पर ये वैल्यू है x की। अभी हमें एंगल्स निकालने, तो हमने क्या कंसीडर किया था, एंगल 1 ये क्या है, 3x है, 3x मतलब 3 इंटू और x की वैल्यू जो है 12, तो 12 × 3 = 36 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल आया 36 डिग्री। इसी तरह से एंगल 2 कितना है, ये 5x, तो ये हो गया 5 × और x की वैल्यू जो है 12 × 5 = 60 सेकेंड एंगल। इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल्स टू 9x, यानी 9 × x की वैल्यू 12 × 9 = 108। और जो फोर्थ एंगल है, एंगल 4, दैट इज व्हाट 13x, यानी 13 × और x की वैल्यू 12। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 156 डिग्री। तो ये हो गए चारों एंगल्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।